हरियाणा में मौसम की गर्मी अब बढ़ रही है। ठीक वैसे ही चुनावी पारा भी चढ़ रहा है। अब सूरत हाल ये है कि मैदान में कांग्रेस के हैवीवेट उम्मीदवार उतरने से मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। पहले जहां बीजेपी प्लस लग रही थी, अब मुकाबला वैसा नहीं रहा। कांग्रेस लोगों के बीच जाकर बीजेपी के पिछले चुनावी वायदों की जहां याद दिला रही है, वहीं चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर भी हमले कर रही है। आपके बीच में आया और एक दूसरा उम्मीदवार है संजय भाटिया, उसको मैं खुद 20 साल से घूम रहा हूं। डॉक्टर साहब सहायक नेता है, हमने 20 साल से आज तक कभी इसको पानी पत्र समाधान नहीं देखा, तो और तो लोगों को कहां मिलेगा। तो यहां पे पिछला जो हमारा एमपी बन के गया था उसको देख लो, 5 साल वोट लेकर चला गया तो आप लोग उसको भूखते हुए मिला। तो ये सारी बातें हैं कि आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। करनाल से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रदेश के पूर्व स्पीकर ने शुक्रवार को समालका हलके के 20 गांव का तूफानी दौरा किया। कुलदीप शर्मा का कहना था कि कांग्रेस बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर रही है और लोग अब समझ रहे हैं। देश के सामने वायदे किए गए थे मोदी जी द्वारा, नौजवान को, किसान को, व्यापारी को, कर्मचारी को, बूढ़े को, गरीब वर्ग को, लेकिन कौन सा ऐसा वायदा, एक वायदा गिना दे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भाषणों में से विकास, वायदे और जो बातें मुद्दे में उठा रहा हूं, ये सब नदारद हैं। खास बात ये है कि समालका हलके के एक दर्जन मुस्लिम बहुल गांवों और यहां के मजबूत पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के सक्रिय हो जाने से यहां बीजेपी का वोट प्रतिशत गिर सकता है। कुछ लोगों की राय। सफाई की है, दवाई की है, पढ़ाई की है, रोटी की है, रोजगार की समस्या है, उनकी बात नेता क्यों नहीं करते। उधर चुनाव आयोग की टीमें भी जनसभा स्थलों के आसपास निगरानी कर रही हैं। भाई कहीं आचार संहिता का उल्लंघन ना हो जाए, परमिशन लेनी जरूरी होती है। जैसे गाड़ियों की परमिशन है, रैली की है, ये लेनी होती है। और जहाँ भी प्रोग्राम होगा वहाँ हमारी टीम जाएगी और हम वीडियोग्राफी कराएंगे वहाँ की। यानी हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में दिखता है। इसके अलावा दो गठबंधन और इनेलो की भूमिका उलटफेर वाली नजर आएगी। गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस को डेंट डालेंगे, पर ये तय है कि सभी 10 सीटों पर मुकाबले कड़े और दिलचस्प होंगे। हरियाणा में मतदान की तारीख ज्यों ज्यों नजदीक आ रही है, मुकाबला कड़ा होता दिख रहा है। ये भी कि कांग्रेस अब जिंदा ही नहीं दिख रही, एकजुट भी लग रही है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, गांव पट्टी कल्याणा, समालखा।